good morning children today we are going to do question answers of chapter number 9 that is a voyage to lilliput i hope you have read the chapter again and understood the story so question number first is which place did gulliver belong to So place se belong karta its answer बिलोंग्ड टू नोटिंगम शायर इंग्लैंड तो गलीवर इंग्लैंड के नोटिंगम शायर को बिलोंग करता था नोटिंगम शायर एन ओ डबल टी आई एन जी एच ए एम नोटिंगम शायर एस एच आई आर ई शायर गलीवर बिलोंग टू नोटिंगम शायर इंग्लैंड राइट वेयर वार गलीवर एंड द क्रीमैन स्ट्रक by a violent storm what did it result into? gulliver aur uske jo crew men the unko wo violent storm storm jo aaya tha sea mein wo kahan pe aaya tha kis कहाँ पे आया था And what did it result into? टू तो उसके साथ क्या हुआ फिर वो स्टॉर्म जब आया तो क्या हुआ दे वर स्ट्रक बाय अ वायलेंट स्टॉम नियर द कास्ट ऑफ सुमित्रा कहाँ आया था नियर द कास्ट ऑफ सुमित्रा सुमत्रा के तट पर सुमत्रा इज द नेम ऑफ अ रिवर ट्वेल्व क्रियमैन क्रूमैन डाइड एम ई एन ट्वेल्व क्रियू मैन डाइड एंड मैनी बिकेम वेरी वीक तो जो उनमें ट्वेल्व क्रियूमन थे बारह थे उनके क्लीग्स वो मर गए थे और जो बहुत सारे थे उनमें वो वीक पड़ गए थे राइट क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट डिड गलीवर फाइंड आफ्टर ही वो कप इन द मॉर्निंग तो गलीवर ने क्या देखा जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग में जागा क्या देखा था उसने उसने अपने आप को ग्राउंड में ग्रास के ऊपर पाया हुआ देखा और उसको किसी ने बांधा उसको किसी ने बांधा हुआ था और उसके जो हेयर थे लॉन्ग हेयर थे और वो भी किसी ने बांध रखे थे और उसके ऊपर छोटे छोटे से क्रिएचर टाइनी क्रिएचर थे जो लिली पुट के लोग थे वो उसके ऊपर चल रहे थे राइट सो इट्स आंसर इज ही फाउंड हिमसेल्फ टाइड टाइड मीन्स बांधना

छोटे थे मार्चिंग अप टू हिज चेस्ट विद द बो एंड एरो इन हिज हैंड्स तो वो क्या कर रहे थे उसकी तरफ आ रहे थे उसकी चेस्ट के ऊपर चढ़कर उसकी तरफ आ रहे थे और उनके हाथ में क्या था बो एंड एरो तीर तीर और धनुष उनके हाथों में थे और उसके ऊपर वो गलीवर के ऊपर चढ़ रहे थे He found himself tied to the ground. Even his long hair were tied down with strings. He found tiny creatures less than six inches high marching up to his chest with a bow and arrow in his hands. Right. Next question number four. Give the physical description of a lilliputian. So, student, this is this is not lilliputian. This is lily. पुशियंस राइट लिली पुशियंस लिली पुशियंस हुआ टाइनी क्रिएचर टाइनी मीन स्मॉल तो लिली पुशियन क्या थे छोटे छोटे क्रिएचर्स थे जिनकी हाइट सिक्स इंच से भी कम थी लेस देन सिक्स इंच इन हाइट राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाई वॉज द स्टेज कंस्ट्रक्टेड एंड वेयर तो हमने चैप्टर में स्टडी की थी कि एक स्टेज बनाई गई थी तो स्टेज क्यों बनाई गई थी क्योंकि जो लिली पुट का मेन ऑफिसर था वो गलीवर से बात करना चाहता था क्योंकि लिली पुट के लोग भी छोटे छोटे थे तो उनका ऑफिसर भी छोटा 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 सा ही था तो उसको गलीवर से बात करने के लिए एक स्टेज ऑर्गेनाइज करनी पड़ी जिसके ऊपर चढ़कर वो गलीवर से बात करना चाहता था और उसको अपना कोई मैसेज कन्वे करना चाहता था राइट सो इट्स आंसर इज अ लिली अ लिली पुशियन ऑफिसर वॉन्टेड टू एड्रेस गलीवर एड्रेस होता है उसको संबोधित करना जैसे स्टेज पे कोई खड़ा हो के कोई स्पीच uh, देता है संबोधित करता है उसको बोलते हैं एड्रेस करना लिली पुशियन ऑफिसर वॉन्टेड टू एड्रेस गलीवर एंड टॉक टू हीम तो लिली पुट का ऑफिसर था उससे उसको एड्रेस करना चाहता था संबोधित करना चाहता था और बात करना चाहता था दैट इज़ द रीज़न यही रीजन है वाई द स्टेज वॉज कंस्ट्रक्टेड क्लोज टू वेयर गलीवर ले तो यही एक रीज़न था जिसके कारण स्टेज कंस्ट्रक्ट की गई जहाँ पर गलीवर लेटा हुआ था राइट right? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स इज हाउ वाज गलीवर फेड वेन हंग्री जब गलीवर भूखा था तो उसको कैसे खिलाया गया उसके उसको खाने के लिए क्या क्या दिया गया उसको बहुत सारी बास्किट्स आई जो मीट और वेजिटेबल से लदी हुई थी बहुत बड़े बड़े टिन में पानी मिला उसको और बास्किट्स की बास्किट्स उसको नॉन वेज मटन चिकन सब मिला और बहुत सारे बहुत सारी ब्रेड में लिखाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ़ बास्केट्स लेन विद मीट एंड वेजिटेबल्स वर व्रॉड इट्स सेकेंड इट्स थर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड सेवरल बैरल्स ऑफ वाटर बास्केट्स ऑफ मटन लेग्स अनकाउंटेबल काउंटेबल और इन्यूमरेबल जिसको काउंट नहीं किया जा सकता लॉब्स ऑफ ब्रेड वर एम टी टू फीड देयर गेस्ट तो ये बहुत सारा कुछ उसको दिया गया एज अ गेस्ट उसकी अच्छे से उन्होंने रिस्पेक्ट की उसको खाने के लिए बहुत सारा मेटीरियल प्रोवाइड किया गया राइट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवन हाउ वलीवर लीव्ड ऑफ दिन गलीवर को पेन से रिलीव कैसे मिला द लिली पुशियंस अप्लाइड सम बाम और ऑइंटमेंट इन ऑल द प्लेसिस वेयर देअर एरो हिम दिस रिलीव्ड हिम ऑफ द पेन तो लिली पुशियंस ने क्या किया जहाँ जहाँ गलीवर के एरो लगे थे जिस जिस बॉडी पार्ट में वहाँ पर उन्होंने बाम और ऑइंटमेंट अप्लाई की जिससे गलीवर को पेन से राहत मिली राइट सो लेट्स Do these questions again. So, question number first is which place did Gulliver belong to? It's answer, Gulliver belonged. I have used second form of belong as there is did in the question. Gulliver belonged to Nottinghamshire, England. Right? Question number two. Where were Gulliver and crewmen struck by a violent storm? What did it result into? Its answer They were struck by a violent storm near the coast of Sumatra. Twelve crewmen died and many became very weak. Question number third What did the Gulliver find after he woke up in the morning? Its answer He found himself tied to the ground. Even his long hair were tied down with the strings. He found tiny creatures less than 6 inches high marching up to his chest with a bow and arrow in his hands. Question number 4 Give the physical description of a Lilliputian. Lilliputians were tiny creatures less than 6 inches in height. Question number 5 Why was a stage constructed and where? its answer, a lilliputian officer wanted to address gulliver and talk to him. that is the reason why the stage was constructed close to where gulliver lay. question number six is, how was gulliver fed when hungry? hundreds of baskets laden with meat and vegetables were brought. several barrels of water and baskets of mutton legs uncountable loaves of bread were emptied to feed their guest next question number seven how was gulliver relieved of the pain the lilliputians applied some balm balm or ointment in all the places where their arrows had hit him this relieved him of the pain right so students understand these questions again read it Try to learn it and then note it down in your notebook number one. Right now, students, open your English textbook on page number 88. Take the question number first under part B writing skills or extrapolation. Ahana Arvind dreamt that she or he had reached a स्ट्रेंज लैंड रिजलिंग लिलीपुट जो अहाना और अरविंद है उनका सपना है कि वो भी एक ऐसी लिलीपुट जैसी प्लेस पे पहुंच जाए राइट अ पैराग्राफ ऑन पीपल देर हाउसेस द सिटी कस्टम्स फॉलोड बाय दैम इन नॉट मोर दैन फिफ्टी टू सिक्सटी वर्ड्स टेक लूज फ्रॉम द लेसन सो स्टूडेंट्स आपने इस स्पेस में क्या लिखना है कि पैराग्राफ लिखना है लिली जैसी लिलीपुट प्लेस है आप वैसी प्लेस के बारे में लिख सकते हो वहाँ के लोग कैसे थे उनके घर कैसे थे सिटी कैसी थी कस्टम कैसे थे और ये जो पैराग्राफ है आपका फिफ्टी टू सिक्सटी वर्ड से ज़्यादा ना हो राइट तो आप अहना और अरविंद का बीच में मेंशन कर सकते हो राइट सो स्टूडेंट्स आई i have given given one more writing skills of previous chapter but i but i haven't get a single poem from any one side any one student to mereko ek bhi student se wo poem nahi mili jo maine homework mein di thi right so, अपने previous chapter की writing skill में जो poem थी वो भी complete करिए और ये writing skill भी आप complete करोगे एज अ होमवर्क

So, question number two on page number 87. First, Gulliver became a surgeon on a ship named Swallow. Named Swallow, S W A L L O W. B, one of the most memorable voyages to the South Sea undertaken by Gulliver began on May 4, 1699. C, the Hargo, the great lord, understood Gulliver very well, right? hard question say whether the given statements are true or false first gulliver was a married man yes it's true b gulliver and the man managed to swim to the shore no it's false c gulliver could not understand what the lilliputians spoke yes it's true d gulliver admired the courage of the little man in coming so close to him yes it's also true e the lilliputians mixed some medicine medicine in gulliver's water which made him sleepy yes it's also true right next question number 4 choose the correct answer from the options given part a mr james bates was a well known engineer lawyer or surgeon surgeon means third is the correct option b gulliver's ambition was to travel to become a surgeon to become an author, so to travel. See on 5th November, Gulliver's ship drawn without a trace, split into two, smashed up. So, it's answer is part two, split into two. D part is the arrows pricked like needles, pins, and pointers. So, option number one is the correct option needles. Mm next e point gulliver had landed in a strange land named nottinghamshire Mildando and lilliput lilliput is the correct option lilliput wo place thi Jahape, gulliver land kiya right so students complete this back exercise and do question number do part first or under writing skill yourself thank you